नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों डेली हमारी क्लास होती है 8:30 पर। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइएगा। गुड, आप लोग क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ऐड निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बताना है पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। ये दोस्तों 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। PET 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे भारत के ओल्ड ग्रांड मैन के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को भारत के ओल्ड ग्रांड मैन के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन UPPET की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ। सभी लोग क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है GST भारत में कब लागू हुआ। दोस्तों एक बार UPSC की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से बताइएगा GST का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस दोस्तों, GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिए एक बार UPSC की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। आपको बताना है वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017 से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों GST भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन PET की परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी लोग ध्यान से क्लास देखिएगा, बहुत अच्छे। दोस्तों साथ में आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। क्वेश्चन है किसने 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। आपको बताना है 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट किसने पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए अरुण जेटली ने, ऑप्शन नंबर बी सुरेश प्रभु ने, ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल ने, ऑप्शन नंबर डी मनोज सिन्हा ने। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर तीन के लिए आंसर करिए। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। आपको बताना है किसने 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुरेश प्रभु ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों 2016 में भारत के रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे। इन्होंने भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2016 के बाद दोस्तों 2017 से ये जो रेल बजट है ये अब दोस्तों आम बजट के साथ पेश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। दोस्तों देखिए आप लोग आंसर सभी लोग दीजिए। गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। डेली आपकी क्लास होती है 8:30 पर शाम को। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 सदस्य। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा, इसे भारत में दोस्तों उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स किस प्रदेश में हैं। तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31 है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, बेरी बेरी रोग
भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है ये जो बेरी रोग है भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B2। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन B1। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। बेरी रोग भोजन में विटामिन B1 की कमी कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है। चलिए बताइएगा विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन है, सभी लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन UPSSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन SSC CGL की परीक्षा में भी पूछा गया था। इसी प्रकार से आपको बताना है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया इस क्वेश्चन का, उनका राइट आंसर है, वेरी गुड गुड। आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। अच्छा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। चलिए आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मूल संविधान के एक भाग के रूप में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अब देखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आप लोग याद रखिएगा भाग 3 में। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार बढ़े थे, तो आप लोग याद रखिएगा भाग 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी राणा उदय सिंह। आपको बताना है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राणा कुंभा जी ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा जी ने बनवाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, गुड। देखिए मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मैग्सेसे पुरस्कार को। अब आपको बताना है मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विनोबा भावे। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा दोस्तों, विनोबा भावे इन्होंने जय जगत का नारा दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जय जगत का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा जय जगत का नारा दोस्तों विनोबा भावे ने दिया था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुड। हाँ, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जय जगत का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा विनोबा भावे ने। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनसे कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तब भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। ये क्वेश्चन विनोबा भावे से संबंधित पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। आपको गलत ऑप्शन को चुनना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिएगा। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर बना है? ये दोस्तों कृष्णा नदी पर बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, नांगल बांध ये दोस्तों सतलज नदी पर बना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, अभी मैंने आपको बताया। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर है? ये दोस्तों कृष्णा नदी पर है। और हीराकुंड बांध ये महानदी पर है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। बाकू दोस्तों अजरबैजान की राजधानी है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अजरबैजान की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा बाकू। अब आपको बताना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए लौह उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर बी हवाई जहाज उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर सी समुद्री जहाज उद्योग के लिए, या ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम के लिए। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पेट्रोलियम के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अजरबैजान की राजधानी बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, आप लोग इसी प्रकार से आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है अंधा युग के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है अंधा युग के लेखक कौन है। गुड दोस्तों, डेली आपकी क्लास होती है 8:30 पर, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है अंधा युग के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्मवीर भारती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। यह भी पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत का संविधान कैसा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जो भारत का संविधान है ये कैसा संविधान है। गुड, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का। गुड, आपको बताना है भारत का संविधान कैसा संविधान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धर्मनिरपेक्ष। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का जो संविधान है ये धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। यह भी पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। गुड, आपको बताना है संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। गुड, देखिए आंसर सभी लोग दीजिए, आपका आंसर राइट या रॉन्ग हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग आंसर दीजिएगा। आपको बताना है संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 5 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। खेल से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है नाओमी ओसाका, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर डी तीरंदाजी से। आपको बताना है नाओमी ओसाका, इनका संबंध किस खेल से है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
टेनिस से। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नाओमी ओसाका ये एक जापानी टेनिस प्लेयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछ सकते हैं ये कहाँ की हैं, तो याद रखिएगा जापान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, टेनिस करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी। मंगल पांडे ये दोस्तों एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अब आपको बताना है इनको फांसी कब दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 अप्रैल 1857 को। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मंगल पांडे जी को फांसी 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए, यह भी हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। अब आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विजयालय। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो तीनों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा, तीनों से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। पीटी की परीक्षा में दोस्तों दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको बताना है भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 दिसंबर को। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन UPSSC की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिग्नाइट को। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है और इसे दोस्तों भूरा कोयला कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा एंथ्रासाइट, ये दोस्तों सबसे उच्च कोटि का कोयला है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है। आप लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है, आप लोग भी जानते होंगे। मुंबई को 60 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में दोस्तों BCCI का हेडक्वार्टर स्थित है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर स्थित है, और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। एग्जाम में पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपको बताना है निम्न में से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सोडियम को दोस्तों Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एग्जाम में पूछ सकते हैं
कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, तो याद रखिएगा 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, और दोस्तों शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। UP SSC की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा फाइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को दोस्तों माइकोलॉजी कहा जाता है, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको आंसर देना है, आपको बताना है EBM का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर करिए, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। गुड दोस्तों, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर दीजिए, आपको बताना है EBM का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, EBM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, आप लोग इसी प्रकार से आंसर करिए, बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, आपको बताना है निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दामोदर को, ऑप्शन नंबर बी गोमती को, ऑप्शन नंबर सी कोसी को, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। गुड, बताइएगा किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम दोस्तों ऑप्शंस की बात करें, गोमती नदी किनारे लखनऊ शहर बसा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, दोस्तों कोसी नदी का प्राचीन नाम कौसकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, आपको बताना है सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी टेनिस से। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, आपको बताना है सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है ऋग्वेद में किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, ए विष्णु के लिए, बी शिव के लिए, सी ब्रह्मा के लिए, या डी इंद्र के लिए। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइएगा ऋग्वेद में किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंद्र के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, चलिए आप लोग बताइएगा पहले सबसे पुराना वेद कौन सा है। गुड दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए, आपको बताना है मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए, बताइएगा मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ये कहाँ पर हैं, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपको बताना है मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है।
सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी असम में, या ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना में। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है मृगवाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपको आंसर देना है। अब आपको बताना है कतर की राजधानी कहाँ पर है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए, बताइएगा कतर की कैपिटल कहाँ पर है। आपको कतर की कैपिटल का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर सी दोहा, ऑप्शन नंबर डी ढाका। बताइएगा कतर की राजधानी क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोहा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कतर की राजधानी दोहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। काठमांडू कहाँ की राजधानी है। काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी है। वाशिंगटन DC USA की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर देना आपको। आपको बताना है कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए न्यूयॉर्क, बी टोक्यो, सी लंदन, या डी पेरिस। बताइएगा कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूयॉर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। USA का शहर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है। आपको बताना है नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऑप्शन दिए गए आपको, ऑप्शन नंबर ए मेघालय का, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी गुजरात का, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना का। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।